हेलो फ्रेंड फ्रेंड, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर विद टॉच है और इसे किस प्रकार बनाया गया है चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक 2.5 इंची का पाइप और इसका डायमीटर आप देख सकते हैं 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई में मैंने कट कर लिया है और एक प्लेट चाहिए होगी हमें और ये 2 स्पीकर जो कि 4 और 3 वाट के हैं और इन्हें इस पर सही से रख के सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। तो ये मार्किंग कर ली है मैंने और इसके अब बीच में हमें एक सर्कल में कट करना है तो सर्कल बना लेते हैं और ये मैं सर्कल बना रहा हूँ और ये सर्कल बन गए तो इन्हें हमें बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए, मैं इस कैंची से छेद करके और इसे किसी भी टूल की हेल्प से कट कर लेता हूँ। आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जिस प्रकार कट कर रहा हूँ अब कट होने के बाद में हमें सैंडिंग पेपर से इसे सेंड कर लेना है। ये देखिए फाइनल लुक, और इसमें स्पीकर लगा लेने हैं। स्पीकर को बीच में रखना है, ये देखिए, और ग्लूगन की हेल्प से हमें ये चारों तरफ से सेट कर लेने हैं। तो मैंने इसको पहले फेविक्विक से चिपकाया और बाद में मैं ग्लूगन की हेल्प से इसको चिपका रहा हूँ। अब हमें एक एम्पलीफायर मॉड्यूल चाहिए होगा जो कि PM8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल है और ये 3+3 वाट आउटपुट देता है जो कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो अब इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, कनेक्शन कर लिए मैंने। कनेक्शन बहुत ईजी है। ये लेफ्ट राइट स्पीकर के वायर हैं जो मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। इस पर सब लिखा हुआ रहता है, आप भी देख कर सकते हैं। और ये लेफ्ट, ग्राउंड, राइट और ब्लूटूथ कार्ड से कनेक्ट कर देने हैं और ये रेड पॉजिटिव और निगेटिव ब्लैक वायर कनेक्ट कर देना है। अब ये देखिए, इसमें छोटे छोटे होल कर लेने हैं जिससे कि हमें आउटपुट ठीक ठाक मिल सके। और ये स्विच के लिए, अब इसको हमें इसमें चिपका लेना है और मैं इसे फेविक्विक और ग्लूगन की हेल्प से चिपका लेता हूँ। ये देखिए, पॉजिटिव वायर जो मैंने निकाला था इसको कट कर लेंगे और इसमें एक स्विच लगा देंगे। निगेटिव वायर मैंने सीधा ऐसे ही रखा है और पॉजिटिव में स्विच कनेक्ट कर देंगे और इसको आगे की तरफ निकाल लेते हैं और स्विच को यहीं पर लगा देंगे। ये 2 सेल लिए हैं मैंने, 3.7 वोल्ट, 18650 लैपटॉप बैटरी, एक चार्जिंग मॉड्यूल, TP4056 टाइप सी मॉड्यूल है और ये कनेक्ट कर लिए मैंने सीधे जहाँ B+B- लिखा होता है वहाँ बैटरी के, और आउटपुट के लिए हमें आउटपुट के वायर कनेक्ट कर देने हैं। ये देखिए, आउटपुट में जो निगेटिव वायर था, निगेटिव वायर और रेड वायर पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे और ग्लूगन से इसको यहाँ पर चिपका देंगे। और चार्जिंग इनपुट के लिए मैंने एक जैक लगा दिया है जो कि रेड वायर पॉजिटिव और ग्रीन वायर निगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। स्पीकर के बैक साइड में एक सर्कल फेविक्विक की हेल्प से हमें चिपका देना है। और ये मैंने एक ओल्ड टॉर्च का ये ले लिया है, इसमें हमें 8 mm की LED लगानी जो कि यहाँ पर है और इसमें मैं ये सारी LED लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी LED मैंने टाइटली कनेक्ट कर ली हैं और इनों के कनेक्शन भी मैंने कर लिए हैं। पॉजिटिव से रेड वायर और निगेटिव से ब्लैक वायर मैंने कनेक्ट कर लिया है। और अब हमें एक सर्कल लेना है जो कि इसी के साइज का है और इसी में इसको फिक्स करके निगेटिव वायर जो निकाले थे हमने उसे कनेक्ट कर देना है और पॉजिटिव को यहाँ दूसरे मिनी स्विच में हम कनेक्ट कर देंगे। और अब जो ब्लैक वाला स्विच है इसमें 2 वायर कनेक्ट करेंगे और एक वायर इस मिनी स्विच पर और एक सीधा आगे की ओर जिसमें कि हमें एक दूसरा पुश स्विच लगाना है। इन दोनों स्विचेस को इन्हीं की जगह पर हमें फिक्स कर देना है और ये पुश स्विच है जिसको हमें पॉजिटिव वायर और LED के बीच में कनेक्ट करना है। ये देखिए, हैंडल बनाया मैंने और इसको पेंट कर दिया है जिसमें हमें पुश स्विच कनेक्ट करना है, लगाना है, तो इसे हम लगा लेते हैं।
इस हैंडल को हम फेविक्विक की हेल्प से चिपका लेते हैं। और हमें इसे अच्छी तरीके से चिपकाने के लिए कॉटन चाहिएगी। और इसका एक इस तरीके से हमें जैसे हम बत्ती बनाते हैं ऐसे बना के इसके साइड में लगा देना है और इस पर फेविक्विक डाल देनी है, जिससे कि ये हार्ड हो जाएगी और कभी भी ये छूटेगी नहीं। तो ये हैंडल बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक चुका है, अब कहीं भी जाने वाला नहीं है, ये देख सकते हैं। अब हमें एक डब्बे का ढक्कन लेना है और जिसका हमें डिफ्यूज़र बनाना है और इसे बीच से कट कर लेना है। ये मैंने सर्कल कट किया है और इसी पे इसको चिपकाना है यहाँ पर। और रिफ्लेक्शन के लिए ये वाली टेप ले लेनी है और इसके अंदर चिपका लेना है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस पर कलर कर दिया है और इसकी बॉडी पर वाइट और हैंडल और आगे की ओर मैंने कॉपर कलर करा है। तो मैं अब आपको इसकी चार्जिंग टेस्ट करा देता हूँ। इसमें जो आप रेड कलर की एलईडी देख रहे हैं इंडिकेटर, ये चार्जिंग हो रही है। और थोड़े अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा चानना दे रही है, इसका जो रोशनी है बहुत ही अच्छी है, आप खुद देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करा देता हूँ, यहाँ से ऑन कर देंगे। तो फ्रेंड, इसका पेयरिंग आ चुका है। मैं इसमें NCS सॉन्ग चलाने वाला हूँ।